आईपीएल 2023 का 70वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच रविवार को बैंगलोर के एम चिन्नस्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। लीग स्टेज में गुजरात टाइटंस ने अब तक 13 मैचों में से 9 मैचों में जीत हासिल की है। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने 13 मैचों में से 7 मैच जीते हैं। इस मुकाबले में आप फाफ डुप्लेसिस पर दाव खेल सकते हैं। चिन्नास्वामी स्टेडियम में रनों का अंबार लगता है, ऐसे में फाफ कप्तान के तौर पर एक अच्छी पिक होंगे। आईपीएल 2023 में अब तक वह 13 मैचों में 8 अर्धशतक ठोक कर कुल 702 रन बना चुके हैं। वहीं उप कप्तान के तौर पर आप शुभमन गिल या विराट कोहली को चुन सकते हैं। आरसीबी वर्सेस जीटी मैच से जुड़ी जानकारी, दिन रविवार 21 मई, समय शाम 7:30 बजे, वेन्यू एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बैंगलोर। आरसीबी वर्सेस जीटी पिच रिपोर्ट, यह मुकाबला आरसीबी के होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। यहां हाई स्कोरिंग मैच होते हैं। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में पहली इनिंग का औसत स्कोर 183 रन रहता है। यहां टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकती है। यहां पिछला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला गया था, जिसमें केकेआर ने 20 ओवर में 200 रन बनाए थे। इसके जवाब में आरसीबी सिर्फ 179 रन ही बना सकी थी और यह मैच 21 रनों से गवा बैठी थी। आरसीबी वर्सेस जीटी हेड टू हेड रिकॉर्ड, अब तक इन दोनों ही टीमों के बीच कुल 2 मुकाबले खेले गए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने एक मैच जीता है, वहीं गुजरात टाइटंस ने भी एक मैच अपने नाम किया है। आरसीबी वर्सेस जीटी कहां देख सकते हैं आप यह मुकाबला? यह मुकाबला स्टार स्पोर्ट नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। क्रिकेट फैंस आईपीएल के सभी मैच ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर भी एंजॉय कर सकते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस गुजरात टाइटंस ड्रीम 11 टीम। आज क्रिकेट एनमोर ने विकेट कीपर के तौर पर रिद्धिमान साहा को चुना है। बल्लेबाजी करेंगे विराट कोहली, फाफ डुप्लेसिस, शुभमन गिल और साई सुदर्शन। ऑलराउंडर हैं ग्लेन मैक्सवेल, माइकल ब्रेसवेल और हार्दिक पांड्या। गेंदबाजी करेंगे मोहम्मद शमी, राशिद खान और मोहम्मद सिराज। कप्तान हमने बनाया है फाफ डुप्लेसिस को, वहीं हमारे उपकप्तान हैं शुभमन गिल। क्या हो सकती है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की संभावित प्लेइंग 11? तो टीम में आज विराट कोहली, फाफ डुप्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल, माइकल ब्रेसवेल, महिपाल लोमरोर, अनुज रावत, हर्षल पटेल, वेन पार्निल, शहबाज अहमद, कर्ण शर्मा और मोहम्मद सिराज नजर आ सकते हैं। बात करें अगर गुजरात टाइटंस की संभावित प्लेइंग 11 की, तो टीम में रिद्धिमान साहा, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, दासुन शनका, राशिद खान, नूर अहमद, मोहम्मद शमी और मोहित शर्मा नजर आ सकते हैं। जुड़े रहें क्रिकेट एनमोर के साथ। धन्यवाद।